mentioning this month about the word. जैसे कि हम इस महीने वचन के बारे में सीख रहे हैं. And word is powerful. और वचन सामर्थ्य है. Word change our life. और वचन जो है हमारे जीवन को बदलता है. Last Sunday I gave you the 5 points. और देखिए कि पिछले रविवार को मैंने आपको 5 points दिए थे. If you remember. अगर आपको याद है तो. I told you that the first thing. अब पहला चीज मैंने आपको बताया था. When you walk. जब आप चलते हैं. Word of God guide us. परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है. When you sleep. जब आप सोते हैं. He watch over us. वो हमारी निगरानी करता है. When you walk out. जब आप उठ जाते हैं. He speak to us. वो हमसे बातें करता है. So the word of God guide us. परमेश्वर का वचन इसीलिए हमसे हमें हमारी अगुवाई करता है. He watch over us. हमारी निगरानी करता है. He speak to us. वो हमसे बातें करता है. Also I says the people who find the word is the life for them. So the word of God gives us the life, the fourth point. और चौथा पॉइंट था कि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है. And also I told you the word of God heal our whole body. और मैंने आपको ये भी बताया था कि परमेश्वर का वचन हमारे पूरे शरीर को चंगा करता है. So that was the fifth thing. अब वो पांचवा बात था. And I told you that the word of God is powerful and it has the power to change our life. और मैंने आपको ये भी बताया था कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और उसमें वो सामर्थ्य है कि वो हमारे जीवनों को बदल दे. More you will follow the word of God. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे उतना ज्यादा आपका जीवन बदल जाएगा. You know, even in these days you have to spend your time in the word of God and in the presence of God. इन दिनों में आपको अपने समय को परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताना है. Word is powerful. वचन You know, the Bible says, Bible कहता है, God Himself स्वयं परमेश्वर honor His word. वो अपने वचन का आदर करते हैं. Another word says, दूसरे शब्दों में ये कहता है, God keep His word above His name. परमेश्वर अपने नाम से भी ऊपर अपने वचन को रखता है. Why? Because the word is powerful. क्यों? क्योंकि वचन सामर्थ्य है. Hallelujah. Hallelujah. Word is powerful. वचन You know, people recognize us by our word. लेकिन लोग जो है हमारी बातों से हमको वो पहचानते हैं. No, 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 Pastor, you says the word. No, people recognize me by my name. आ देखिए आप कैसे कह रहे हैं पास्टर नहीं वचन नहीं बातों से नहीं लेकिन लोग मुझको मेरे नाम से जानते हैं. No, my friends, your name, whatever it may be. आ देखिए ये बात गलत है मेरे प्रिय. आपका नाम चाहे कुछ भी हो. But you know the people recognize us by our word. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग हमको हमारी बातों से पहचानते हैं. If you speak something, अगर आप कुछ बोलते हैं, and if you don't do, अगर आप उसको पूरा नहीं करते, people will recognize you. तो लोग आपको पहचानेंगे. By different name. अलग-अलग नामों से आपको पहचानेंगे. Not अलग-अलग नामों से, but they will recognize you by different name. लेकिन वो आपको अलग And you know what that name is? और आप जानते हैं कि वो नाम क्या है? If you don't fulfill your word, अगर आप अपने बातों को पूरा नहीं करते, whatever you saying, and if you are not doing that, जो कुछ भी आप कहते हैं, अगर आप उसे नहीं करते हैं, तो you know what with what name people will recognize you? तो आप जानते हैं कि लोग आपको किस नाम से पहचानेंगे फिर? नेपाली word says, नेपाली में कहा जाता है? ठगुआ. ठगुआ. Because you are always saying something and not fulfilling. क्योंकि हमेशा आप कुछ कहते हैं और आप उसके अनुसार नहीं करते, उसको पूरा नहीं करते. But if you say something and do. लेकिन अगर आप कुछ कहते हैं और उसे पूरा करते हैं तो. People will recognize you the man of word. तो फिर लोग आपको आपके वचन के वो अपने बातों को पूरा करने वाला बल्कि माने जानेंगे. Because you fulfill the word. क्यों? क्योंकि आपने अपने कहे हुए बातों को पूरा Word is powerful. इसीलिए वचन सामर्थ्य है. Amen. Amen. It has power to change the life. इसमें लोगों के जीवन को बदलने का सामर्थ्य है. I'm going to tell just from your Bible the book of Colossians chapter 3 verse 16. कुलुसियों 3 का 16. The Bible says, "Let the word of God will dwell in your heart very richly." और फिर यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का वचन Yeah.
गहराई से रहने पाए, आप गहराई से रहने पाए. उसका मतलब क्या If है? The word of God is inside of our heart very deeply. अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बहुत ही गहराई से है तो Then it help us. तो ये हमारी मदद करता है. So my friends, you should keep the word of God not under your pillow, but you should keep the word of God inside of your heart. देखिए इसीलिए मेरे प्रियो आपको परमेश्वर का वचन अपने तकिए के नीचे नहीं रखना है परंतु आपको अपने परमेश्वर का वचन आपके दिलों के आपके हृदय के अंदर रखना है. It's good also if you clean it nicely the Bible and keep it under your pillow. I'm not against of that, but if you don't keep the word of God inside of your heart, then there is no use. अधिक ये अच्छा है कि आप अगर अपने बाइबलों को साफ करते हैं और तकिए के नीचे रखते हैं, ये अच्छी बात है, मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ. लेकिन अगर आप इस पर लिखे हुए वचनों को अगर आपके हृदय में आप नहीं रखते तो इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं है. Word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है. Hallelujah. Hallelujah. Say after me, the word of God is powerful. मेरे बाद आप कहें परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है. Word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है. It changed my life. ये मेरे जीवन को बदलता है. It changed my life. ये मेरे जीवन को बदलता है. Hallelujah. Hallelujah. So this morning I'm going to talk to you about the three things. और मैं आज की सुबह आपसे तीन बातों के विषय बताऊंगा. I'm going to tell you. मैं आपको बताऊंगा. When we come to the word of God, what happened? मैं आपको बताऊंगा कि जब हम परमेश्वर के वचन पे आते हैं तो क्या होता है. The second thing, when we obey the word of God, what happened? दूसरा ये कि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तब क्या होता है. And the third thing, when the word of God is not there, what happened? तीसरी बात ये कि जब परमेश्वर का वचन नहीं होता है तो क्या होता है. If you come to the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन पे जब आते हैं, what happened? क्या होता है. Second, दूसरा, when you obey the word of God, what happened? जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तब क्या होता है. And when the word of God is not inside, or when the word of God is not with us, what happened? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में या हमारे साथ नहीं होता है तब क्या होता है. I don't know how long I'm going to speak. मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितना लंबा बोलने वाला हूँ. But I want to tell you. क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूँ. But whatever I'm going to tell you. जो कुछ मैं कहने वाला हूँ. God told me to speak to you. देखिए परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि मैं ये बातें आपसे कहूँ. This morning when I wake up the 5 o'clock, I fresh up and I went to my room and I was just walking and praying. और देखिए कि आज सुबह 5 बजे मैं जगा फ्रेश अप होके जब मैं अपने छत पे गया वहाँ पे चलते चलते प्रार्थना कर रहा था. I do that every day. मैं हर दिन वो करता हूँ. I do every day. मैं हर दिन वो करता हूँ. I wake up morning and I pray every day. मैं सुबह सुबह उठता हूँ. So when I was doing this, the praying in tongues in the spirit this morning. जब मैं अपनी भाषा में आज की सुबह प्रार्थना कर रहा था. The Lord told me to speak to you these three things. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं ये तीन बातें आपसे कहूँ. Now listen very carefully. इसलिए ध्यान से सुनिए. You might heard this word before also. हो सकता है कि आपने ये वचन पहले भी सुना होगा. Amen. Amen. So don't sit and think, oh, I know this word. तो इसलिए बैठ के ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे ये वचन पता है. More you will listen the word, more your life will change. जितना ज्यादा आप वचन को सुनेंगे उतना ज्यादा आपका जीवन बदलेगा. Hallelujah. Hallelujah. It's faithful. It will be just like what you call like the children. ये एक छोटे बच्चे की तरह होता है. Like the word of God, like the example. उदाहरण के लिए. If you like meat. अगर आपको मीट पसंद है. I'm talking about children, okay? देखिए छोटे बच्चे मैं बच्चों के बारे में बोल रहा हूँ. If you like meat. अगर आपको मीट पसंद है. You give them morning. आपको सुबह दीजिए. They will eat it. उनको खाएंगे. You give in the daytime also. दोपहर में खाने में दीजिए. The same meat. वही मीट. They will eat it. वो दोबारा खाएंगे. You give the same meat in the evening also. और वही मीट अगर आप बच्चे को रात को भी देंगे तो. They will eat it. तो उसको खाएंगे. Why? क्यों? Because they like me. क्योंकि उनको मीट पसंद है. That's why Jesus says, be like a child. इसीलिए यीशु कहते हैं.
He says, what the Bible says. यहाँ पे
the beginning there was a word वचन था and the word was God और वचन परमेश्वर था hallelujah hallelujah so the word Jesus himself is the word तो यीशु जो है वो खुद ही स्वयं ही वचन है so what happened क्या हुआ when Jesus when the people disciples were facing the problem and challenges देखिए क्या हुआ कि जब चेले लोग समस्याओं को चुनौतियों को झेलना शुरू किया they did not run from the word देखिए उस समय जब वो परेशानी आए जब चेले वचन से दूर नहीं भागे but they run towards the word लेकिन चेले वचन के पास आए and wake him up और उसको यीशु को जगाया what happened this day क्या होता है when the trials temptation problem comes आजकल के दिनों में क्या होता है जब समस्याएं आती हैं जब परेशानियां आती हैं instead of running towards the word बजाय इसके कि हम वचन के पास जाएं we run from the word हम वचन से दूर भागते हैं I'm telling you again and again मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं the answer of your problem is not in the world but in the word हालेलुया कि आपकी परेशानियों का हल और जवाब जो है वो संसार में नहीं है परंतु वचन में है many people who are backslide वो बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हो गए हैं many people who are backslide और बहुत सारे लोग जो प्रभु से दूर हो गए हैं हो चुके हैं if you talk with them अगर आप जाके फिर उनसे जब बातें करेंगे you will find them because of the problem because of the situation they go far away आप जब उन लोगों से जब जाके बातें करेंगे तो आप पाएंगे कि समस्याओं के कारण से वो लोग दूर हो गए प्रभु से but that is wrong लेकिन वो गलत है that's not the answer वो जवाब नहीं if you are facing the problem अगर आप if you are facing the challenges if you are facing something like a mountain agar ek pahad ki tarah kisi cheez ko agar aap jhel rahe hain what disciple did ek chelo ne kya kiya yahan par when they see the problem jab unhone aankhon ko see the wind jab samasya ko dekha they came back to Jesus jab samasya ko aadhi tufan ko dekha to chelo log yeshu ke paas aaye they came back to the word wo vachan ke paas aaye because they know that the answer of their problem is not the outside but inside listening my word if you are facing the challenges and problem in your life don't run from the word but run towards the word in this time in this pandemic situation you are getting lots of opportunity to run away from the world but you should run from or run towards the world hallelujah dekhiye is pandemic ki situation mein is paristhiti mein aajkal jo bhi ho raha hai paristhitiyon mein aapke paas hazaron karan honge aise hazaron mauke honge ki aap vachan se door jaye parantu aap ko parmeshwar ke vachan ke paas daud ke aana hai hallelujah word has power vachan mein saamarthya hai disciple came and wake him up dekhiye chele aaye aur yeshu ko unhone jagaya उन्होंने यीशु को जगाया In other words, they wake the word of God. और दूसरे शब्दों में उन्होंने परमेश्वर के वचन को जगाया And when the word of God came, और जब परमेश्वर का वचन आया What the Bible says, बाइबल क्या कहता है Verse 39 says, 39 पद में क्या कहता है He got up and rebuked the wind and said to the wave, Quiet, be still. And the wind died down and was completely और 40 पद को पढ़ दिया कहता है तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह थक जा आंधी थक गई और बड़ा चेंज हो गया पावर टू चेंज योर सिचुएशन हालेलुया देखिए वचन में सामर्थ्य है कि आपकी स्थितियों को परिस्थितियों को वो बदल दे व्हेन यू कम टुवर्ड द वर्ल्ड जब आप वचन की तरफ भाग के आते हैं व्हाट हैपेंड क्या होता है योर प्रॉब्लम योर सिचुएशन विल बी go down and it will be clean from your life तो आपकी बुरी परिस्थितियां परेशानियां ये सब क्या होता है वचन के आते ही ये सब चीज आपके जीवन से हट जाता है और नीचे गिर जाता है the Bible says movement seed as movement weight word
wake up. बाइबल कहता है कि जिस समय यीशु जैसे ही जगा उठा, he speak the word. उसने वचन को बोला. He speak the word. उसने वहाँ पे वचन को बोला. He speak the word. उसने वचन को बोला. The Bible says quiet. और यहाँ पे कहता है कि शांत रहे. Be still. थम जा. And it says everything was clean. उसके बाद क्या लिखा है कि सब कुछ थम गया, चैन हो गया. When you come to the word. देखिए जब आप वचन में आते हैं. Your problem will run. हालेलुया, आपकी समस्या भाग जाएंगी. When you come to the word. जब आप वचन में आएंगे. Your problem will stop. आपकी समस्या रुक जाएगी. When you come to the word. जब आप वचन में आएंगे. Things will be clear. हालेलुया, सब चीज शांत हो जाएगा. That's why instead of running from the word, run towards the word. इसीलिए बजाय इसके कि आप वचन से दूर भागे, आप वचन के पास दौड़ते हुए आएंगे. In this situation, in this pandemic time, only you can get the answer in this world. If you run from this world, you will be more in the problem. हालेलुया, जब आप वचन के पास दौड़ के आएंगे तो आपका जो समस्या है वो शांत हो जाएगा, साफ हो जाएगा, रुक जाएगा, थक जाएगा. हालेलुया, we stop when word was spoken. देखिए आधी तूफान थम गया जब वचन उसको मिला. There is the power in the word of God. वचन में परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है. There is the power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है. Every one of you who are watching me live. इसीलिए वचन से दूर मत भागिए, वचन के पास आइए. हालेलुया, परमेश्वर की जितना आप पढ़ सकते उतना वचन को पढ़िए. अपने आप को वचन में, परमेश्वर के वचन में ढूंढिए. अपनी उन परिस्थितियों के ऊपर में परमेश्वर के वचन को बोलिए. In your physical body, speak the word for your life, for your body. अगर आप अपने शरीर में बीमार हैं, तो अपने शरीर के लिए आप वचन को बोलिए. Thank you, Jesus, for your word. यीशु आपका धन्यवाद है कि आपका वचन मेरे साथ है. Clap your hands in glory to Jesus. ताली बजाकर यीशु के नाम से. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है. हमारे परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है. लेकिन चेले जो है वो वचन के पास आए. And we stop. और फिर आंधी थम गया. Second thing, दूसरी बात, when you obey the word, what happened? क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? I'm telling you, you will see the miracle. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप आश्चर्य कर्म को देखेंगे. The moment you obey the word of God, you will see the miracle. जिस क्षण आप यीशु के वचन को, वचन का पालन करेंगे, आप आश्चर्य कर्म को देखेंगे. बाइबल कहता है, obedience is the key for miracle. कि आश्चर्य कर्म का कुंजी या चाबी जो होता है वो आज्ञाकारिता है. Obedience is the key for miracle. आज्ञाकारिता ही आश्चर्य कर्म का कुंजी है. I want to share one story from the Bible. मैं आपको बाइबल से कहानी बताना चाहता हूँ. Second point. ये दूसरा पॉइंट है. When you obey the word of God, what happened? क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? Story. और वह स्टोरी एक कहानी है. स्टोरी कहानी है. Amen. There was the story. यहाँ एक कहानी था. There was the story. कहानी था. What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? When you read Luke chapter 5. जब आप लूक का पांच अध्याय को पढ़ेंगे. Now you will find the story of Peter. वहाँ पर आप पत्रस की कहानी को पाएंगे. The Bible says. बाइबल कहता है. He was a fisherman. कि पत्रस जो था वो एक मछुआरा था. You know how to catch the fish? उसे तो पता था कि मच्छी कैसे पकड़ना है. He is a professional fisherman. वो व्यवसाय से एक मछुआरा था. And he was from the childhood, you know how to catch the fish. इसलिए बचपन से ही उसे पता था कि मच्छी कैसे पकड़ना है. One day, एक दिन, the Bible says, बाइबल कहता है, whole night he threw the net. एक दिन ऐसा होता है कि पूरी रात वो मच्छी की जाल फेंकता है. He didn't get anything. और उसे कुछ भी नहीं मिलता. He was
tired. वो थक जाता, थक गया था. Tired. वो थक गया था. Morning he came. सुबह वो आता है. He was washing his neck. और फिर वो अपने जांघ को धो रहा था. He didn't catch anything. उसने रात भर कुछ भी ना पकड़ा. He was a fisherman. वो मछुआरा था. He catch the fish. पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की. और देखिए पकड़ता था और मछली बेचता था. And he might take care of his family or he might take care of himself. अब हो सकता या तो हो सकता है कि अपने परिवार का उसी से देख रेख करता था या अपना देखभाल उसी से करता था. But nothing he get nothing. लेकिन उस समय उसे कुछ भी ना मिला. What happened here? क्या हुआ? The Bible says Jesus came. बाइबल कहता है कि यीशु आए. Jesus came. यीशु आए. And told him. और उनसे कहा. What the Bible says here? बाइबल क्या कहता है यहाँ? Chapter 5. पांचवा अध्याय. Verse 4. चौथा पद. When he had finished speaking, he said to the Simon, "Put out into deep water and let down the net for catch." जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो. What happened here? फिर क्या हुआ यहाँ पर? Simon answered. शिमोन ने कहा. Master, we have worked hard all night and have not caught anything. और यहाँ पर शिमोन ने उसको उत्तर दिया. हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा. And what he says? फिर वो क्या कहता है? But because you say so. यहाँ कहता तो भी तेरे कहने से. I will let down the net. तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा. He did not say like this. देखिए यहाँ पे शिमोन ने ऐसा नहीं कहा. You go from here. ये नहीं कहा कि अरे तुम जाओ यहाँ से. You are not a fisherman. तुम तो मछुआरे नहीं हो. We know better than you. तुमसे ज्यादा तो मुझे पता है. We know better than you. मुझे आपसे ज्यादा पता है. We were in the fisher family, man's family. हम तो मछुआरे के खाने में पैदा हुए हैं. From the childhood, we are catching the fish. बचपन से मछलियाँ पकड़ रहे हैं. We know where to throw. हमें पता है कि कहाँ जाल डालना है. कहाँ जाल डालना है, कहाँ नहीं डालना है, पता है. पूरी रात हमने मेहनत की. Catch nothing. कुछ भी नहीं पकड़ा. Don't speak. तो मुझसे बातें मत करो, चुप रहो. Go from here. यहाँ से जाओ. He did not say like that. लेकिन पत्रस ने ऐसा कुछ नहीं कहा. Usually those things happen in our life. देखिए ऐसी चीजें सामान्यतः हमारे जीवन में होता है. When we are doing something, कुछ चीज जो हम करते हैं. And we are frustrated. और जब हम उससे हताश हो चुके होते हैं. And that time if somebody come and give us the suggestion. लेकिन जब हम करते करते हताश हो चुके होते हैं. We just keep quiet. उस समय कोई और आके अगर हमको वहाँ पे सलाह दे तो हम कहें चुप रहो. बाटे ना हो. Hallelujah. The Bible says Peter alone could not.
come, Joel come, Brother Wilson come, Brother Rajkumar come, Brother Gurudev come, Sonny come. और फिर हो सकता है कि उसने बुलाया और कह रही कि अभी नाओ Joel आओ, Brother Wilson आ जाइए, Brother Gurudev आ जाइए, सब पास Sonny आ जाइए, सबको बुलाया होगा मदद के लिए. Because the down says he called all his friends. क्योंकि नीचे ये कहता है पत्ते कि उसने अपने सारे साथियों को बुलाया. What the Bible says here. That their net began to break. और फिर यहाँ पे लिखा है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे. और सेवन से सातवां पद कहता है. So they sent their partners in the other boat. साथियों को भी बुलाया. He called his friends also. अपने साथियों को भी बुलायो. उसने अपने दोस्तों को बुलाया. Because the fish was so much. क्योंकि the last number of fish. क्योंकि मछलियाँ इतनी ज़्यादा थी. And that was not enough for Peter only. और ये सिंपल पत्रस के लिए काफी नहीं था. But that was enough for all their partners. Hallelujah. वो मछलियाँ उसके हाथ में कुछ ना लगा, लेकिन वो आदमी यहाँ पे सामान्य रूप से
also do same thing today, my friends. मेरे प्रियो आप भी आज ऐसे ही कीजिए. No matter what you have done. कोई बात नहीं कि आपने क्या किया था. Whatever the Lord is telling you right now. लेकिन जो कुछ प्रभु आपसे करने को कह रहा है इस वक्त. Simply say to him. बस ये कह दीजिए. But because you say so. क्योंकि आप बस ये कह दीजिए प्रभु क्योंकि तू ऐसा कहता है. I will do. मैं इसको करूंगी या करूंगा. See the miracle. Amen. और उसके बाद आप आशीर्वाद करने के लिए. Hallelujah. Word has power. वचन में सामर्थ्य है. Word has power. वचन में सामर्थ्य है. Word has power to change the life. Hallelujah. वचन में सामर्थ्य है कि वो जीवनों को बदले. Word has power to bring the miracle in your life. वचन में वो सामर्थ्य है कि आपके जीवन में आश्चर्यकर्म को लेकर आए. Hallelujah. Hallelujah. Speak the word. वचन को बोलिए. Speak the word. वचन को बोलिए. वचन को बोलिए. वचन को बोलिए. बोलिए वचन को. The sister from Delhi. वो बहन जो दिल्ली से है. I'm telling you. मैं आपसे कह रहा हूँ. No matter what you have done. कोई बात नहीं कि आपने इससे पहले क्या क्या किया है. No matter how many times you have to do the surgery. और कोई बात नहीं कि आपने कितनी बार ऑपरेशन कराया होगा. No matter how many times you have performed, you did the chemo and the what do you call that? The therapy and whatever. और देखिए कि कितनी बार आपने केमो या फिर कितनी बार आपने रेडिएशन या कोई भी थेरेपी कराया हो. Today the Lord is saying to you. Hallelujah. आज परमेश्वर आपसे कह रहा है. Simply say. बस आप ये कहिए. By your stripe I am healed. बस आप सिर्फ ये कहिए कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ. Because Jesus not only said His blood in the Calvary cross, but He also break His body, so you and I will receive the healing in our physical body. Hallelujah! ध्यान से सुनिए, क्योंकि यीशु ने कालवरी क्रूस पर सिर्फ अपने लहू को, अपने खून को नहीं बहाया, लेकिन उसने अपने शरीर को भी तोड़ा, तोड़ने दिया उसको, वहाँ पे उसका शरीर भी तोड़ा गया, ताकि आप और मैं शरीर में चंगाई को पाए. I pray for the sister who is in Delhi. नाम क्या हुआ था? Susan Tama. I'm going to speak the healing right now in your life. और आपके जीवन में मैं आपको चंगाई को इसी वक्त बोलता हूँ. I speak, I pray. और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बोलता हूँ. Lord, your word says in the Psalm 107 verse 20 that you send your word and heal our diseases. Right now, I send your word and speak the miracle upon the sister Susan Tama. Whatever problem she's facing, I bring it in Jesus' name. भजन संहिता 107 के 20 में कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगाई को करता है. मैं इसी वक्त वचन को मैं भेजकर उस बहन सुजन तामा के जीवन में भेजता हूँ. जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी अपने जीवन में है, उसी को मैं इसी वक्त पर डांटता हूँ, भगाता हूँ. Whatever doctor did, I'm not against of that. डॉक्टर ने जो भी किया मैं उसके विरुद्ध नहीं. They did their good job. उन्होंने अपना अच्छा काम किया है. But also you have to remember. लेकिन आपको ये बात भी याद करना है. Jesus paid the price for us. यीशु ने हमारे लिए मूल्य को चुका दिया है. परमेश्वर को वचन ल बोली राखनु आपको कोड़ाले मुनि को भई सके. परमेश्वर के वचन का बोलते रहिए कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ. Touch her right now. In the name of Jesus. Simply obey my sister. मेरी बहन आप सिर्फ आज्ञा का पालन है. मैं वाला भन्नुस तपाईको कोडाले मनीको भइसक्यो. आप उसे कहिए कि यीशु तेरे कोडे खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ. Miracle is right. There for you. और आपके लिए आश्चर्यकर्म बस वहीं पर है, आपके पास ही है. Speak the word, speak the word. वचन को आप बोलते जाइए. Simply obey. आप सिर्फ आगे का पालन कीजिए. Hallelujah. Now the third thing I'm going to say. तीसरी बात जो मैं कहने वाला हूँ. What happened if the word is not there? क्या होता है अगर जीवन में वचन ना हो तो? What happened? क्या होता है? What happened? क्या होता है? Many Christians. बहुत सारे मसीही लोग. They don't read the word. वो वचन नहीं पढ़ते. And they act like they are strong. वो वचन नहीं पढ़ते और ऐसे दिखाते जैसे वो बहुत मजबूत है. Word छाइना बने के पनीर छाइना. You don't have word in your life, you have nothing.
नथिंग अगर वचन आपके जीवन में नहीं तो कुछ भी नहीं डोंट हैव लव वर्ड इन योर लाइफ यू कैन डू नथिंग अगर आपके जीवन में वचन नहीं है कुछ नहीं कर सकते अगर वचन आपके पास साथ नहीं है nothing तो आप कुछ नहीं if you want to see something अगर आप कुछ देखना चाहते हैं has to be there तो फिर वचन आपके जीवन में होना जरूरी है third point तीसरी चीज when the word is not there what happened क्या होता है जब वचन हमारे जीवन में नहीं होता from your bible अपने बाइबल को पढ़िए it says that jesus another name is word मैंने आपको बताया कि यीशु का दूसरा नाम शब्द या वचन है another name is word दूसरा बात जो है वो यीशु का जो नाम जो है And you know, वो है वचन jesus came to this earth for a purpose आप जानते हैं कि यीशु इस संसार में किसी कार्य से आए किसी काम से आए हैं And his main purpose was to die for our sin and bring the people out from the sin देखिए उनका मुख्य उद्देश्य काम इस संसार में आने का वो यही था कि वो हमारे पापों के लिए मरे और हमें उस पाप से बाहर निकाल के लाए when time came जब समय आया he died and what happened फिर क्या हुआ word is another word jesus was not there और दूसरे शब्दों में जब यीशु मरे तो अब यीशु नहीं थे in another word was not there मतलब वचन नहीं था now what happened फिर क्या हुआ when jesus died जब यीशु मरे is the when the word was not there यानी कि जब यीशु मरे तो जब वचन वहां पे नहीं था disciples were alone तो वो चेले जो थे वो अकेले हो गए word was not with the disciples मतलब कि वचन यीशु यानी वचन अभी चेलों के साथ नहीं थे what happened क्या हुआ now their plan changed अब उनका योजना बदल गया चेलों का the people who want to ready to die with jesus अब वे लोग जो यीशु के साथ मरने को तैयार थे who wants to carry the vision of jesus जो यीशु की दर्शन को लेके चलना चाहते थे who wants to go around and fulfill the call of god for their life और अपने जीवन में परमेश्वर ने जिस योजना के साथ मेरे को बुलाया था वे लोग उस काम को जो पहले करना चाहते थे what happened क्या हुआ what happened क्या हुआ when jesus was not there जब यीशु नहीं उनके जीवन में नहीं था तो क्या हुआ word was not there यानी जब यीशु यानी वचन उनके पास नहीं था तो क्या हुआ what happened क्या होता है their mind their plan their vision everything was changed देखिए उनका मन उनका दर्शन उनका जो भी उद्देश्य था सब कुछ बदल जाता है from your bible to john 21 अपने बाइबल को आप यूहन्ना 21 में पढ़ते हैं verse 3 21 का 30 का it says peter says यहां पे पतरस कहता है I am going out to fish simon peter told them and they said we will go with you और यहां पे तीसरे पद लिखा शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं when word was not there देखिए जब वचन उनके साथ नहीं था their vision changed तो उनका दर्शन बदल गया their mind changed उनका मन भी बदल गया from where jesus brought them out जहां से यीशु को बाहर निकाल के लाया from that place they want to go again उसी जगह पर वो वापस जाना चाहते थे if the word is not inside of your heart वैसे ही अगर वचन आपके हृदय में नहीं है तो you will go to the same place from where you came तो आप भी उसी जगह पे जहां से आप वापस निकल के आए थे उसी जगह पहुंच जाएंगे in another word you will die दूसरे शब्दों में आप मर जाएंगे you will forget the purpose of your life अपने जीवन का उद्देश्य ही आप भूल जाएंगे you will fail to fulfill your vision अपने दर्शन को पूरा करने अगर आप नहीं जानते कि आपका बुलाहट क्या है Now the Peter says, "Let go to fishing." और आप यहाँ पे पतरस कह रहा है कि चलो वापस मछलियाँ पकड़ने That चलते was हैं। not the will of God for him. उसके जीवन पतरस के जीवन के लिए परमेश्वर की यही इच्छा तो नहीं थी। God's plan for Peter was different. परमेश्वर के पतरस के जीवन से परमेश्वर की योजना कुछ अलग की थी। When the word was not there, लेकिन जब वचन पास नहीं था their mind, उनका मन their heart, उनका हृदय their vision, उनका दर्शन everything, सब कुछ was changed. बदल गया Now they went for fishing. अब वो मच्छी पकड़ने जा रहे हैं Not only Peter, पतरस ही नहीं यहाँ पर He told to the other disciple also. सिर्फ पतरस नहीं
also say, अब बाकी जो दोस्त जो है वो भी कहते हैं, we will go with you. हम भी तेरे साथ आते हैं. That's why today many people, many believers, when the word of God not there, they also backslide and they also bring some other people also. They take them also with them. इसीलिए बहुत सारे जो विश्वासी जन हैं, जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं होता, वो खुद तो परमेश्वर के वचन से दूर जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन वे लोग जो उनके साथ होते हैं, उन सब को भी वो पीछे खींच लेते हैं, परमेश्वर से दूर कर देते हैं, जाके उनको शुरू करते हैं. किन क्यों? क्योंकि वचन छैन त. क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है. If the word is not with you also. अगर आपके साथ वचन नहीं है. If the word is not inside of your heart. अगर आपके दिल में भी वचन, हृदय में भी वचन नहीं है तो you will be die. आप मारे जाएंगे. Amen. That's why keep the word of God. इसीलिए वचन. And the Bible says they went to fishing. और यहाँ बाइबल कहता है कि वो मच्छी पकड़ने जाते हैं. And what happened? तो क्या होता है? The Bible says. बाइबल कहता है. So they went out and got into the boat, but that night they catch nothing. तो बाइबल कहता है अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा. Why? Because the word was not with them. क्योंकि वचन उनके साथ नहीं था. Jesus was not with them. यीशु उनके साथ नहीं था. Word was not with them. वचन उनके साथ नहीं था. If the word is not with you. आज अगर आपके जीवन में वचन नहीं, you will catch nothing. आप भी कुछ नहीं पाएंगे, कुछ हासिल नहीं करेंगे. You cannot do anything. आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तपाईंको human idea, human mind, तपाईंको पैसा, तपाईंको योग्यताले तपाईंको जीवनमा केही पनि लिएर आउँदैन. With your human ability and mind and with your ability, you will not be able to do anything if you don't have word. अगर आपके साथ वचन नहीं तो आपके अपने सोच विचार से, अपने आइडिया से आप कुछ नहीं कर सकते. That's why keep the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन को आप रखिए. If the word of God not in your life. अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं, you are nothing. आप कुछ नहीं. Don't run from the word. इसलिए वचन से दूर ना भागिए. Hallelujah. Hallelujah. But praise God. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो. What the Bible says. वचन वचन क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है? चौथे पद में. Early in the morning Jesus stood on the shore, but the disciples did not recognize that it was Jesus. यहाँ पे चौथे पद में बाइबल कहता है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है. Listen carefully. ध्यान से सुनिए. Only few days different. देखिए कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही Only दिन few थे. Days. कुछ ही दिन. They walk with Jesus 3.5 years. देखिए वो तीन साढ़े तीन साल तक यीशु के साथ साथ चले. Within few days. लेकिन कुछ ही दिनों में. Within few days. कुछ ही दिनों में. They forget Jesus. वो यीशु को भूल गए. They did not recognize him. वो यीशु को पहचान भी नहीं सके. Why? क्यों? Because the word was not with them. क्यों? क्योंकि वचन के साथ नहीं था. Today, आज, in your life, आपकी जीवन, if the word is not there, अगर वचन नहीं तो, anytime, कभी भी, you can forget Jesus. किसी भी समय आप यीशु को भूल जाएंगे. You can forget. आप भूल जाएंगे. Disciple did not recognize. लेकिन चेले उन्होंने नहीं पहचाना. Because the word was not with them. क्योंकि वचन उनके साथ नहीं था. But praise God. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो. What happened? क्या होता the है? The Bible says. बाइबल कहता है. Jesus came. जब यीशु आए. And he told them. और उनसे कहा. Now throw your net here. और उनसे कहा कि आप अपने जाल को यहाँ फेंको. Again the last number of fish they catch. दोबारा यीशु कहते यहाँ पर जाल को फेंको और दोबारा वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ते हैं. Today, आज भी in your life, आपके जीवन में if the word of God is not there, परमेश्वर का वचन नहीं तो then there is no too late for you. तो फिर अभी भी देर नहीं हुआ है. There is no too late for you. अभी भी देर नहीं हुआ है. Keep the word inside of your heart. हालेलुया. अपने वचन में, अपने हृदय में वचन को आप रखिए. When Jesus came. जब क्योंकि जब यीशु आए. When word of God came. जब वचन आया. The Bible says. बाइबल कहता है. Again they catch the large number of fish. बाइबल कहता है जब यीशु आया आपके पास तो दोबारा उसने बहुत मछलियों को पकड़ा. If your life is dry. वैसे ही. If you are not getting success in your life. अगर आपका जीवन सूखा पड़ा है, आपको कोई सफलता नहीं है. In your work, in your health, in your finance, in your family. आपके परिवार में, आपके पैसे रुपए में, काम में, आपके नौकरी में.
not too late. तो अभी भी देर नहीं हुआ है. It's not too late. देर नहीं हुआ है. Welcome the Lord. परमेश्वर का वचन को inside of your heart. वचन का तुम्हारा स्वागत कीजिए, उसका प्रेम दे में रखिए. वचन को पढ़ते रहिए, पालन करते रहिए. वचन के पास दौड़ के आइए. पालन कीजिए. Things will be changed. Amen. और चीजें आपके जीवन में बदल जाएगा. Your life and my life. हालेलुया के वचन में वो सामर्थ है कि वो आपके और मेरे जीवन को बदल दे. Disciples came back to the world. देखिए चेले दोबारा वापस आए यीशु के पास, वचन के पास. Stop. और फिर आधी तूफान थम गया. He stopped the Simon Peter obey. देखिए साइमन पतरस ने क्या किया, पालन किया. See the great miracles. उसने आश्चर्यकर्म को, बड़े आश्चर्यकर्म को देखा. But same disciples. और वही चेला. When they left the world. जब उसके जीवन से वचन दूर हो गया, अलग हो गया. माइंड, देयर हार्ट, देयर थिंग्स, देयर विजन, एवरीथिंग वाज चेंज्ड. उनका दिल, उनका मन, उनका दर्शन, हर कुछ. जब वचन के अभाव, वचन ना होने के कारण सब कुछ बदल गया. व्हेन यू कम टू द वर्ड, जब आप वचन में आते हैं, थिंग्स विल बी चेंज्ड. आमेन. तो चीजें बदलती हैं. थिंग्स विल बी चेंज्ड. बदलती हैं चीजें. थिंग्स विल बी चेंज्ड. चीजें बदलती हैं. वर्ड हैज पावर. वचन में सामर्थ्य. Answer of your problem is not in the world, but in the world. आपकी समस्याओं का हल, जवाब जो संसार में नहीं है, वो वचन में है. It's not in the world, but in the world. वो संसार में नहीं, वचन में है. As the believers, विश्वासी होने के लिए. As the children of God, हम परमेश्वर के बच्चे हैं. As the sons and daughters of Jesus, जैसे कि हम बच्चे हैं, यीशु के बेटे और बेटियां हैं. तो अगर हम उनके बच्चे हैं, तो होने के नाते इसको पढ़ना जरूरी है. इसे अपने हृदय में रखिए. If you're not keeping this in your heart, अगर आप इसको अपने दिलों में नहीं रख रहे तो. हार्ट को मतलब यहाँ लाके रख सुन लो मरे को आइना. दिल का मतलब आप अपने ऐसे सीने में लगा के सो जाए, ऐसा नहीं है. It has to be inside of your heart. ये आपके दिल के हृदय के अंदर होना है. Things will be changing in your life. आमेन. तो चीजें बदल जाएंगी आपके जीवन में. This is the answer of your and my problem. क्योंकि आपकी और मेरी समस्याओं का हल, मेरी समस्याओं का जवाब यहाँ पर है. This is the answer. ये है जवाब. This is the answer. यही है वो जवाब. Keep reading. पढ़ते रहिए. Keep obeying. आज्ञा का पालन करते रहिए. Keep blessing. और आशीष पाते रहिए. हालेलुया. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. आइए अपने पैरों में खड़े हो जाइए. Just give glory to Jesus. और यीशु को. Just give glory to Jesus. यीशु को महिमा देते रहिए. Just give glory to Jesus. यीशु को महिमा देते रहिए. His words are powerful. उसका वचन सामर्थी है. His words are powerful. उसका वचन सामर्थी है. I just want Sonny and my wife to come and sing some worship song. Just sing the song. आप If you remember that song, the Turmus Me and Maitus Me, One Hour Home, just sing that song. Come soon. Worship you, Jesus. We give you glory. Turmus Me and Maitus Me, One Hour Home. Word has power. Word has power. Jesus. Thank you, Holy Ghost. Keep singing. Thank you, Jesus.
you finish yan the same same pada mo na drum mo isko ba ni si buda na mo ba to mo Amen. Amen. Amen.